हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू संदीप्स बायोलॉजी। इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ ग्लाइकोलिसिस के रेगुलेशन के बारे में। ग्लाइकोलिसिस के बारे में मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया है, अगर आपको वीडियो देखना है तो ऊपर आई बटन में लिंक दे दूंगा, आप जाकर देख सकते हैं। इस वीडियो में डिस्कस करेंगे ग्लाइकोलिसिस का रेगुलेशन। तो ग्लाइकोलिसिस में कुछ स्टेप्स रिवर्सिबल है एंड कुछ स्टेप्स इरिवर्सिबल है। तो जो भी इरिवर्सिबल स्टेप्स है, तीन स्टेप्स इरिवर्सिबल है, वो रेगुलेट होते हैं। वो स्टेप को कैटेलाइज करने वाले एंजाइम रेगुलेट होते हैं और पूरी ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस को रेगुलेट करते हैं। ग्लूकोज जब सेल के अंदर एंटर होता है तो सेल के पास कई सारी चॉइस अवेलेबल है कि ग्लूकोज को किस पाथवे में एंटर कराया जाए, जैसे कि ग्लाइकोजन सिंथेसिस करना है, पेंटोज फॉस्फेट पाथवे में एंटर करना है या फिर ग्लाइकोलिसिस में एंटर करना है। तो वो डिपेंड करता है सेल की करंट नीड्स पर कि ग्लूकोज किस पाथवे में एंटर होगा। अगर ग्लूकोज एंटर होता है ग्लाइकोलिसिस में तो पूरी ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस को भी रेगुलेट करना जरूरी है। तो इसके लिए सेल के अंदर कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स है जो इंडिकेट करते हैं कि सेल के पास इनफ एनर्जी सप्लाई है। जैसे कि सेल के अंदर एटीपी का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है तो वो इंडिकेट करता है कि सेल के पास इनफ एनर्जी सप्लाई है और अभी ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस को करना जरूरी नहीं है। और कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स भी है जो इंडिकेट करते हैं कि सेल को एनर्जी सप्लाई की ज़रूरत है, जैसे कि सारे एटीपी यूज होकर एडीपी में कन्वर्ट होते हैं और सेल के अंदर एडीपी का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होता है एटीपी के कंपेयर में। तो एडीपी का ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन इंडिकेट करता है कि सेल को एनर्जी चाहिए, एनर्जी सप्लाई चाहिए, तो ग्लाइकोलिसिस करनी ज़रूरी है। ग्लूकोज को ग्लाइकोलिसिस में एंटर करना है और पूरी ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस करनी ज़रूरी है। चलिए देखते हैं किस तरह से ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस रेगुलेट होती है। तो यहाँ पर ये तीनों इरिवर्सिबल स्टेप्स है जो कि ये तीनों एंजाइम के द्वारा कैटेलाइज होते हैं, हेक्सोकाइनेज, फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज एंड पाइरुवेटेकाइनेज। और ये तीनों एंजाइम्स पूरी ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस को रेगुलेट करते हैं। तो पहला यहाँ पर एंजाइम रेगुलेट होता है हेक्सोकाइनेज। हेक्सोकाइनेज इनहिबिट होता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट के हाई कॉन्सेंट्रेशन से। सो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट इनहिबिट करता है हेक्सोकाइनेज को बाय फीडबैक रेगुलेशन ग्लूकोज 6 फॉस्फेट हेक्सोकाइनेज को इनहिबिट करता है। दूसरा यहाँ पर एंजाइम रेगुलेट होता है फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज 1। तो फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज एंड ये पाइरुवेटेकाइनेज, ये दोनों एलोस्टेरिकली रेगुलेट होते हैं। यहाँ पर एक्टिव साइट होती है और दूसरी एलोस्टेरिक साइट होती है। तो कुछ इस तरह से एंजाइम में तो ये हो गई एक्टिव साइट जहां पर सबस्ट्रेट बाइंड करता है और एक और साइट होती है एलोस्टेरिक साइट। तो ये है एलोस्टेरिक साइट, यहां पर बाइंड करता है एलोस्टेरिक इफेक्टर। और एलोस्टेरिक इफेक्टर दो प्रकार के होते हैं, एक तो है एलोस्टेरिक एक्टिवेटर एंड दूसरा एलोस्टेरिक इनहिबिटर। तो अगर एक्टिवेटर बाइंड होता है एलोस्टेरिक साइट पर तो वो एंजाइम को एक्टिवेट करता है, और अगर इनहिबिटर बाइंड होता है तो वो एंजाइम को इनहिबिट करता है। तो सेल के अंदर ऐसे कई मॉलिक्यूल्स हैं जो एक्ट करते हैं एज इनहिबिटर एंड कुछ मॉलिक्यूल्स एक्ट करते हैं एज एक्टिवेटर। तो चलिए देखते हैं कि फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज 1 के लिए कौन से मॉलिक्यूल्स एलोस्टेरिक इनहिबिटर के तौर पर एक्ट करेंगे या फिर कौन से एलोस्टेरिक एक्टिवेटर के तौर पर एक्ट करेंगे। तो यहाँ पर मैं लिस्ट बना रहा हूँ फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज 1 एंजाइम के लिए। तो सेल के अंदर एटीपी का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगा तो वो इंडिकेट करता है कि सेल के अंदर इनफ एनर्जी सप्लाई है, और एटीपी एक्ट करता है एज एलोस्टेरिक इनहिबिटर फॉर फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज 1। तो एटीपी इंडिकेट करता है कि सेल के अंदर इनफ एनर्जी सप्लाई है। बाद में सिट्रेट एक्ट करता है एलोस्टेरिक इनहिबिटर फॉर फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज 1 एंजाइम,
और वो इनहिबिट करता है इस एंजाइम को। तो सिट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, इसका मतलब ये है कि इनफ सिट्रेट अवेलेबल है क्रेब्स साइकिल के लिए। कुछ एलोस्टेरिक एक्टिवेटर भी है, जैसे कि हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एडीपी, सेल के अंदर एडीपी का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, इसका मतलब ये है कि एटीपी यूज हो गए हैं और एडीपी में कन्वर्ट हो गए हैं, तो ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस कंटिन्यू करना जरूरी है एटीपी के प्रोडक्शन के लिए। तो यहाँ पर एडीपी, एएमपी, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट एक्ट करते हैं एज एलोस्टेरिक एक्टिवेटर फॉर फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज 1। और एक और एलोस्टेरिक एक्टिवेटर है फ्रुक्टोज 2,6 बिसफॉस्फेट। तो फ्रुक्टोज 2,6 बिसफॉस्फेट भी एलोस्टेरिकली एक्टिवेट करता है इस एंजाइम को। नेक्स्ट एंजाइम रेगुलेट होता है पाइरुवेट काइनेज एंजाइम। तो पाइरुवेट काइनेज के लिए भी एलोस्टेरिक इनहिबिटर है एटीपी। तो यहां पर पाइरुवेट काइनेज के लिए एलोस्टेरिक इनहिबिटर है एटीपी। तो सेल के अंदर एटीपी का ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन इंडिकेट करता है कि सेल के अंदर इनफ एनर्जी सप्लाई अवेलेबल है। फिर एसिटाइल कोएंजाइम ए, लॉन्ग चेन फैटी एसिड, तो ये सारे मॉलिक्यूल इंडिकेट करते हैं कि सेल को अभी एनर्जी या फिर एटीपी के मॉलिक्यूल्स की जरूरत नहीं है। ये तीनों मॉलिक्यूल्स एलोस्टेरिकली इनहिबिट करेंगे पाइरुवेट काइनेज एंजाइम को। उसके बाद एलेनिन, तो एलेनिन में से पाइरुवेट प्रोड्यूस हो सकता है और पाइरुवेट क्रेब्स साइकिल में एंटर होकर एटीपी जनरेट कर सकता है। तो एलेनिन भी यहाँ पर एक्ट करेगा एज एलोस्टेरिक इनहिबिटर फॉर पाइरुवेट काइनेज एंजाइम। और बाद में ग्लूकेगोन, तो हॉर्मोन ग्लूकेगोन भी पाइरुवेट काइनेज एंजाइम को इनहिबिट करता है बाय द एक्शन ऑफ साइक्लिक एमपी डिपेंडेंट प्रोटीन काइनेज। तो चलिए देखते हैं किस तरह से ग्लूकेगोन इनहिबिट करता है पाइरुवेट काइनेज एंजाइम को। पाइरुवेट काइनेज एंजाइम के दो स्टेट होते हैं, एक तो फॉस्फोरिलेटेड स्टेट एंड डी फॉस्फोरिलेटेड स्टेट। तो पाइरुवेट काइनेज ए जो कि है एक्टिव स्टेट, एक्टिव एंजाइम है और वो डी फॉस्फोरिलेटेड स्टेट में है, और दूसरा पाइरुवेट काइनेज बी इनएक्टिव एंजाइम जो कि फॉस्फोरिलेटेड स्टेट में है। और ग्लूकागोन by the action of cyclic AMP dependent protein kinase तो protein kinase की action से active pyruvate kinase enzyme convert हो जाता है inactive form में, और फिर ये जो स्टेप है वो इनहिबिट हो जाता है और फिर से इनएक्टिव फॉर्म कन्वर्ट होता है एक्टिव फॉर्म में। अगर सेल के अंदर साइक्लिक एमपी का कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज हुआ तो इनएक्टिव फॉर्म फिर से कन्वर्ट हो जाता है एक्टिव फॉर्म में, और यहाँ पर एंजाइम एक्ट करता है प्रोटीन फॉस्फेटेज। और यहाँ पर एटीपी यूज होंगे और यहाँ पर इनऑर्गेनिक फॉस्फेट रिलीज होगा। तो कुछ इस तरह से ग्लूकेगोन पाइरुवेट काइनेज एंजाइम को इनहिबिट करता है। कुछ एलोस्टेरिक एक्टिवेटर भी है पाइरुवेट काइनेज एंजाइम के लिए, तो फ्रुक्टोज 1,6 बीस फॉस्फेट, अगर इसका कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है सेल के अंदर तो वो एक्ट करेगा एज एलोस्टेरिक एक्टिवेटर फॉर पाइरुवेट काइनेज एंजाइम। तो फ्रुक्टोज 1,6 बीस फॉस्फेट एक्ट करता है एज एलोस्टेरिक एक्टिवेटर, क्योंकि अगर फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है सेल के अंदर, इट मीन्स ये ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस कैरी फॉरवर्ड करनी जरूरी है। तो ये था रेगुलेशन तीनों एंजाइम्स का। जो ये स्टेप है कन्वर्जन ऑफ फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट टू फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट, जो कैटेलाइज होता है फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज 1 एंजाइम के द्वारा, ये स्टेप
रेट लिमिटिंग स्टेप है, तो इस स्टेप को कहा जाता है रेट लिमिटिंग स्टेप। ये स्टेप डिटरमाइन करता है कि पूरी ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस कितनी तेज या फिर कितनी स्लो होगी। तो ये स्टेप फास्ट हो रहा है तो पूरी ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस फास्ट होगी, और ये स्टेप अगर स्लो हो रहा है तो पूरी ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस स्लो होगी। तो ये था ग्लाइकोलिसिस का रेगुलेशन। मैं उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक बटन जरूर दबाइए। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ये वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।